जी हाँ दोस्तों, मैं कुमार और आप देख रहे हैं अरुण क्रिएशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ दोस्तों। ये है डिजिटेक का प्रोफेशनल ट्राइपॉड, जिसका मॉडल नंबर है DPTR7060VD। दोस्तों ये ट्राइपॉड क्यों स्पेशल है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल ट्राइपॉड बाय करना है तो कौन सी चीज़ों का आपको जो है ख्याल रखना है स्पेशली। तो कोई भी ट्राइपॉड अगर आप बाय करते हैं तो नो डाउट उसकी जो है पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको जो है पेलोड कैपेसिटी है 20 kg। तो आपको बहुत महंगे कैमराज इसके ऊपर जो यूज़ करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये सभी चीज़ों को हैंडल कर लेता है। अगर मैं बात करूँ इसके बेस की, बेस के ऊपर यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं इसके। एक तो अगर आपको स्लिपरी सरफेस हो या फिर हार्ड सरफेस हो, दोनों तरह के सरफेस के ऊपर ये अच्छे तरीके से कैमरा को हैंडल कर लेगा। जो इसकी जो मैक्सिमम हाइट आपको मिलती है वो है 6 feet। तो बहुत सारी फीचर्स हैं और प्रैक्टिकल आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे जो है इसका हाइड्रोलिक यूज़ करके आप बहुत अच्छे जो है मूव दे सकते हैं कैमराज को। और तो आइए इसको करते हैं अनबॉक्स और जानते हैं इसके बहुत सारे और फीचर्स। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इसको अनबॉक्स और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बॉक्स को हम हटा देते हैं और बहुत ही प्यारा इसमें से जो है बैग निकला है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक कैरी बैग दिया गया है। बहुत ही ईजिली जो है आप कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हैं, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए, और यहाँ पे ये ट्राइपॉड, और ये ट्राइपॉड है। तो दोस्तों ये है डिजिटेक का बहुत ही अमेजिंग जो है ट्राइपॉड है। बहुत ही भारी भरकम है ये और बहुत ही अच्छे से आपका ये 20 kg का पेलोड तो ले ही लेगा। और आइए समझते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें इसको जो है खास बनाती हैं। तो दोस्तों इस कैमरे को मैंने जो है ट्राइपॉड के ऊपर लगा दिया है। बेस प्लेट के ऊपर आपको क्विक रिलीज का जो है बटन दिया गया है, बहुत आसानी से आप इसको जो है कैमरे को प्लेस कर सकते हैं ट्राइपॉड के ऊपर। और ये जो है हैंडल बहुत ही अच्छा है, एक मूवमेंट देने के लिए आपको हेल्प करेगा अगर आप कैमरे को टिल्ट करना हो अप और डाउन। और बहुत ही अच्छी मूवमेंट आप यहां से जो हैंडल से बना सकते हैं और हैंडल को भी आप जो एडजस्ट कर सकते हैं। हैंडल के लिए जो अलग से जो है नोब दिया गया। इस वक्त जो है मेरा कैमरा प्रॉपरली जो है लेवल के ऊपर नहीं है, तो जो मेरे लेवल इंडिकेट हो रहा है वो एक सही नहीं है। इसको मैं लेवल बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ये देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर इसको मैं जो है कर लूंगा। इसको जो है मैंने बटन को खोला, यहाँ से मैं लेवल को देखते हुए यहाँ पे जो है अगेन जो है अब जो है मेरा कैमरा बिल्कुल लेवल पे आ गया है। देखा आपको हार्डली 3 से 4 सेकंड ही लगे हैं इस कैमरे को लेवल करने के लिए और यहाँ पे लेवल का इंडिकेटर जो है दिया गया है। अब जो मैं बात करूंगा इसके हाइट की और यहाँ पे जो क्लंप दिए गए हैं जिनको यूज करके आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो है अपना कैमरा जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी हाइट कम और ज्यादा जो है कर सकते हैं। तो मैंने सभी बटन को टाइट कर दिया और यहाँ पे जो है स्पेशली ये वाले जो है बटन आपके सबसे पहले, ये देखिए कितना आसान है इसको हाइट को उठाना। बहुत ही इजीली जो है आप आई लेवल के ऊपर जाके भी जो है टिल्ट के शॉट बना सकते हैं। टिल्ट के साथ साथ यहाँ पे एक नोब दिया गया है जिसको यूज करके आप कैमरे को पैन कर सकते हैं। तो जो है कैमरे को पैन भी जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है कैमरे का हुड है जो हिड को जो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं किसी एंगल के ऊपर, खास किसी एंगल के ऊपर अगर आपने हाइट को बहुत ज्यादा उठा दिया है तो किसी खास एंगल के ऊपर इसको अगर आप ऐसे मूव करना चाहते हैं तो ये देखिए पूरा हुड जो है कंप्लीट हुड जो है हम उसको जो है मूव कर सकते हैं। और साथ में देखिए लेवल को भी हम जो एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेवल को एडजस्ट किया और साथ में होज करिए मैंने इस एंगल पे लगाया। अगर ये बटन आपको खोलना है, रिलीज करना और इसको टाइट कर देना, बहुत ही आसान जो है लेवल को देख हुए इसका जो है लेवल मैंने जो है सेट कर दिया, बिल्कुल 0-0 जो है लेवल इसका जो है आ गया है। अब इसकी हाइट, बिल्कुल दोस्तों ये हाइट जो है इसकी अमेजिंग हाइट है और मैं अभी आपको जो है हाइट चेक कराऊंगा इसकी। तो यहाँ पे जो है लास्ट आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट जो क्लंप दिए गए तो यहाँ पे जो है लास्ट पॉइंट इसको मैं अभी ओपन करने वाला हूँ क्लंप को। तो तीनों जो क्लंप है मैंने ओपन कर दिए यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे जो हाइट देखिए 6 feet से भी ज्यादा है, जो कंपनी क्लेम करती है 6 feet की हाइट, लेकिन उससे भी ये ज्यादा ही है। तो बहुत ही इजिली जो है स्क्रीन को डाउन करके इस हैंडल को यूज करके यहां से भी आप जो है पैनिंग के शॉट जो है बना सकते हैं बहुत ही इजीली। इन केस अगर आपको यहाँ पे पैनिंग, ऑटो पैनिंग देनी है, यहाँ पे ना इसका हाइड्रोलिक ये देखिए इतना अच्छा है, इसको लूज करेंगे जस्ट कैमरा को आपको लीव करना है तो ये देखिए इसका हाइड्रोलिक जो है आपको बहुत ही स्मूथ एक जो है इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों जो है इसका हाइड्रोलिक इतना शानदार है कि अगर इसको मैं लीव कर देता हूँ तो इसकी मूवमेंट देखिए कितनी स्मूथ है। टिल्ट की जो मूवमेंट है बहुत ही प्यारी जो मूवमेंट आपको ये देगा, ये देखिए दोबारा।
तो इस तरह आप जो है इस ट्राइपॉड को मल्टीपर्पज यूज जो है कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा ये जो है ट्राइपॉड है। तो यहाँ पे जो है अगर आप कैमरे की मूवमेंट को टिल्ट अप और टिल्ट डाउन करना चाहते हैं, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको आप लूज करके बहुत ही ईजिली जो है इसका जो हाइड्रोलिक है ये देखिए अपने आप ही, मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ, मैंने हाथ छोड़े हुए हैं इस वक्त, जो इसकी मूवमेंट है देखिए कितनी जो है स्मूथ मूवमेंट है। तो ये, और यहाँ पे अगर आप कैमरे को पैन करना चाहते हैं, इस बटन को लूज करके बहुत ही इजीली जो है पैनिंग की मूवमेंट दे सकते हैं, ये देखिए। और इसका जो हैंडल है, मैं आपको हैंडल दिखाना चाहूँगा, हैंडल के ऊपर भी जो है नोब दिया गया है, इसको लूज कर दीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं सेट। और तो यहाँ पे जो है लेवल दिया गया है, लेवल को यूज़ करके आप कैमरे का जो है लेवल जो है सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कैमरे की हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए जो क्लंप दिए गए हैं, ये देखिए इनको यूज़ करना कितना आसान है, और इसको आप यहाँ पे लगाइए और आपको जस्ट यहाँ से प्रेस कर दे। तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको आप लूज़ करके कैमरे का जो है हुड, कंप्लीट हुड जो है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। इन केस अगर आप लेवल यहाँ से नहीं सेट करना चाहते हैं, लेवल को यहाँ से सेट करना चाहते हैं, लेवल को देखते हुए आपको इस बटन को एडजस्ट करना है, और बहुत ही इजीली जो आप इसका जो है बटन लूज या टाइट करके इसको उसी पोजीशन के ऊपर जो है लॉक किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है क्विक रिलीज का बटन दिया गया है जिसको आपको को प्रेस करके तो बहुत ही इजीली जो है प्लेट को लगा लेना है, और यहाँ पे जो है बहुत ही इजीली फिट कर सकते हैं या फिर इस कैमरे को जो है निकाला जाए। तो देखा दोस्तों आपको ये ट्राइपॉड कितना स्टेबल है, बिल्कुल जो है मैंने क्लोज भी कर दिया था, ऊपर कैमरा भी प्लेस था, और कितना ये स्टेबल कैमरा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखिए बेस के ऊपर आपको दो तरह की अटैचमेंट दी गई है, अगर आप इसको प्लेन सरफेस के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, अभी जो इस रूम का सरफेस है बहुत ही स्लिपरी है, तो यहाँ पे रबड़ के पैड दिए गए हैं, रबड़ के पैड आप लगा के जो स्लिपरी सरफेस है वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको आप उतारना चाहते हैं, इनकेस अगर आपको हार्ड सर्फेस के ऊपर, किसी भी हार्ड सर्फेस के ऊपर इसको आप जो है लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये आ गया अगर आपको जो है प्लेन सर्फेस होगा, स्लिपरी जो सरफेस है वहाँ पे अगर यूज़ करना, तो ये रबड़ के पैड आपको यूज़ करने हैं दोस्तों। और इन केस अगर आपके पास हार्ड सरफेस है तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही तीखा सा एक नोब दिया गया है, तो ये अटैच हो जाएगा उसके साथ, जो हार्ड सरफेस है उसको ये पकड़ के रखेगा और किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं होगा। तो जो तीनों पैड हैं यहाँ से, उन तीनों पैड्स को मैं उतार के आपको दिखाता हूँ, यहाँ से रबड़ के पैड जिनको लगाना और उतारना देखिए कितना आसान है। और इसको लगाना चाहते हैं जस्ट आपको यहाँ पे रखना है इसको, और यहाँ पे इसको कर देना आपको लॉक, ये कितनी आसानी से ये देखिए लग गया, और बहुत ही इजीली जो अपने हिसाब से जो है एडजस्टेबल है सरफेस के हिसाब से, एंगल के हिसाब से ट्राइपॉड के, अपने आपको ये जो है एडजस्ट कर सकता है। और इसी तरह इसको मैंने यहाँ पर रखा ये, और यहाँ पे आ गया ये। तो देखा दोस्तों लगाना और उतारना जो है रबड़ के पैड उनको कितना आसान है। और यहाँ पे नो डाउट अगर आपको हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए तो 6 फीट तक आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नोब दिए गए हैं और इसकी जो हाइट है एडजस्टेबल है, किसी भी हाइट के ऊपर जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। 6 फीट का जो है यहाँ से जो है इसकी हाइट को जो है एडजस्ट किया जा सकता है। लगाना और इसको फिट करना, बैग में डालना बेहद इजी है और बहुत ही हैंडी ट्राइपॉड है। तो अगर आप इस ट्राइपॉड को बाय करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।